नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का ऐलान, वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर जीते बम्पर प्राइज। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी प्री नर्सरी और नर्सरी की पढ़ाई। पटना में बढ़ते प्रदूषण से बढ़ा निमोनिया का खतरा। सरकारी टीचर के घर से निकली सोने की ईंट। शराबबंदी पर बीजेपी विधायक के उठे बागी स्वर। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार सरकार का ऐलान, वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर जीते बम्पर प्राइज। बिहार में लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई प्रयास किए गए। हालांकि पहली डोज की अपेक्षा कम लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इसे लेकर अब बिहार सरकार आकर्षक स्कीम के जरिए लोगों को दूसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक कर रही है। इसके तहत सेकेंड डोज लेने वाले के लिए लक्की ड्रॉ के माध्यम से टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन, कंबल आदि दिए जाएंगे। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि यह ऑफर उन्हीं लोगों के लिए है जो सेकंड डोज लगाने के निर्धारित तारीख के 7 दिनों के अंदर वैक्सीन लगवाएंगे। यह लकी ड्रॉ 27 नवंबर से शुरू होगा और पूरे दिसंबर महीने तक रहेगा। इसके तहत प्रखंड स्तर पर 2670 लोगों को बम्पर प्राइज, 26700 लोगों को सांत्वना पुरस्कार, जबकि मासिक ग्रैंड प्राइज जिला स्तर पर 114 लोगों को दिया जाएगा। दिल्ली के व्यापार मेले में बिहारी ठेकुए ने मचाई धूम। बिहार के लोग हो या यहाँ के लिट्टी चोखा और ठेकुआ जैसे स्वादिष्ट पकवान हो, ये सभी अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। इन दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली में बिहार का सबसे प्रसिद्ध पकवान ठेकुआ की धूम मच रही है। यहाँ प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ठेकुआ भी मिल रहा है और दिल्ली के साथ साथ अन्य जगह से इस मेले में पहुंचे लोग बड़े शौक से ठेकुआ खरीदते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित है। यहाँ बिहार के पकवान, फल और शिल्पकारी व अन्य कई सामान बिक रहे हैं। मेले में मुजफ्फरपुर की लीची, लाख की चूड़ियां और भागलपुर की साड़ी खरीदने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी है। बताते चले कि 40वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में बिहार को पार्टनर राज्य का दर्जा दिया गया है। कुलपति पर आरोप के मामले में सीएम ने राज्यपाल से की जांच की सिफारिश। सूबे में इन दिनों शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र यानी कि यूनिवर्सिटी के कुलपति आरोपों के घेरे में आ रहे हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो वहीं अब LNMU के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी रहते हुए कॉपियों की खरीद में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप इस यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर कुद्दुस ने लगाया है और इस संबंध में सरकार को पत्र भी भेजा, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोफेसर कुद्दुस के पत्र को सीधे राजभवन भेजा है, जहां कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल फागू चौहान से इन आरोपों की गंभीरता के साथ जांच करवाने की सिफारिश की है। इस दौरान राजभवन पहुंचकर सीएम ने खुद राज्यपाल से मुलाकात भी की। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी प्री नर्सरी और नर्सरी की पढ़ाई। राज्य के सभी 1.25 लाख के करीब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी आने वाले बच्चों को प्री नर्सरी और नर्सरी की मान्यता के साथ पढ़ाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ टैग करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है। इस संबंध में बीते दिन राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के DEO को निर्देश देते हुए सप्ताह भर के अंदर टैगिंग करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले सत्र से आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में चलाए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार सरकार भी जल्द से जल्द आंगनबाड़ी स्कूलों को बदलने की प्रक्रिया कर रही है। बिहार में मिले 2 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं इस दौरान 7 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 39 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना और मुजफ्फरपुर जिले से 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं बात रिकवरी दर की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। पटना में बढ़ते प्रदूषण से बढ़ा निमोनिया का खतरा। बिहार की फिजा में इन दिनों प्रदूषित जहरीले कण घुल चुके हैं, जिसका असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है। अगर ताजा आंकड़े की बात करें तो भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन के अंदर पटना में 583 मासूम सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों को सांस लेने में समस्या के साथ बुखार की शिकायत अधिक है। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ती ठंड के साथ ही प्रदूषण भी इसकी एक बड़ी वजह है। आपको बता दें कि इसे लेकर सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और साथ ही बिहार सरकार निमोनिया को लेकर 12 नवंबर से 28 फरवरी तक विशेष अलर्ट अभियान भी चला रही है। डॉक्टरों के अनुसार निमोनिया का अटैक सबसे अधिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर होता है, इसलिए तत्काल लक्षण दिखते ही बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए। 5 साल बाद बिहार लौट रहे हैं IPS अधिकारी शिवदीप लांडे।
बिहार में युवाओं के बीच में लोकप्रिय अधिकारी शिवदीप लांडे एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह से एक बार फिर से प्रदेश में अपना योगदान देने लगेंगे। बता दें कि बिहार पुलिस में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनका चेहरा हर किसी को याद है और इन चेहरों में एक चेहरा शिवदीप लांडे का भी है। बिहार कैडर के IPS शिवदीप लांडे वर्तमान में अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में DIG के पद पर पोस्टेड है। पटना में सिटी SP रहने के अलावे शिवदीप लांडे अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। पटना में सिटी SP रहने के दौरान उन्होंने ब्रांडन कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वालों के खिलाफ, जाली नोट छापने वालों के खिलाफ, नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर हड़कंप मचा दिया था। बिहार के कई जिलों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना समेत बिहार के 19 जिलों में ठंड का प्रभाव बढ़ा है, जबकि बाकी के जिलों में पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण मौसम ज्यादा ठंड नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में हवा का प्रवाह अलग अलग होने के कारण दिन और रात के तापमान में अंतर दिख रहा है। बताते चले कि राज्य के उत्तरी हिस्से में दक्षिण पूर्वी हवा और दक्षिणी हिस्से में पछुआ हवा बह रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर धीरे धीरे बिहार के सभी हिस्सों में दिखाई देगा, जिससे तापमान में गिरावट होगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम होगा, तो वहीं पटना में भी रात का तापमान 10.8 डिग्री तक आ गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने सीनियर लैब टेक्नीशियन की बहाली कर दी रद्द। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कुल 20 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए बीते साल ही विज्ञापन निकालकर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। कुल 20 खाली पदों के लिए 111 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, जिसके लिए इस साल फरवरी में काउंसलिंग भी की गई थी, लेकिन इस बीच विज्ञापन और नियोजन प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों से बाहरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। सरकारी टीचर के घर से निकली सोने की ईंट। बिहार में धन की बुर की कहानी आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले से सामने आया है, जहां पर एक सरकारी स्कूल के टीचर के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि टीचर के घर पर 1 करोड़ रुपए कैश के साथ ही सोने की चेन भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के एक सरकारी हाई स्कूल के टीचर नीरज कुमार के बैंक लॉकर से 1 करोड़ कैश और 2 किलो सोना के साथ अनेक कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अधिकारियों ने जब लॉकर खोला तो उसमें 250 ग्राम वजन की सोने की 4 ईंटें मिली और 1 करोड़ कैश मिला। बताया जा रहा है कि कैश 2000 के नोट के बंडलों में था। इसके साथ ही कई अन्य दस्तावेज भी वहां मौजूद थे। हालांकि शिक्षक ने यह संपत्ति किसी और के होने की बात कही है। हालांकि इस मामले में छानबीन जारी है। VIP विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से घट गई पार्टी की शक्ति। बिहार विधानसभा के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है। बता दें कि विधायक मुसाफिर पासवान मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के विधायक थे। उन्होंने बीते रात 1 बजे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान ही अंतिम सांस ली। बता दें कि वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वहीं उनके निधन पर CM समेत VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करते हुए लिखा कि हम सभी ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। यह खबर अत्यंत दुखद है। उनका निधन पूरे बिहार राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से बिहार विधानसभा में VIP पार्टी के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 रह गई है। शराबबंदी पर BJP विधायक के उठे बागी स्वर। बिहार की नीतीश सरकार पुरजोर कोशिश के साथ शराबबंदी कानून को कड़ी से लागू करवाने में लगी है और इसे सफल बताने के लिए दारोगा से लेकर चौकीदारों तक पर नजर बनाए रखी है, मगर उनके सहयोगी दल भाजपा की तरफ से कभी तारीफ भरे तो कभी बगावती स्वर सुनने को मिल रहा है। एक ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल इसकी सराहना कर रहे हैं, तो उनके ही दल के विधायक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बाद अब भाजपा के बेगूसराय विधायक कुंदन सिंह ने शराबबंदी कानून की समीक्षा को जरूरत बता दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे इसके लिए कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही उन्होंने मीडिया को कहा कि शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरा प्रशासन लगा है, इससे अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहीं इस कानून के आने के बाद लोगों को अवैध धन उगाही का मौका मिल गया है।
शिक्षा मंत्री ने शराबबंदी का विरोध करने वाले को दी बड़ी चुनौती। बिहार में एक तरफ शराबबंदी को लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर है तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार अपने 15 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और आज तक लागू किए गए सभी योजनाओं को सफल बता रही है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा दावा किया है और शराबबंदी को फेल्योर बताने वाले को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, उनकी हिम्मत हो तो दो पैग पीकर घर से बाहर आए, फिर पता चल जाएगा। शराबबंदी को लागू करने की किसी में ताकत नहीं थी। नीतीश सरकार ने राजस्व की परवाह किए बिना शराबबंदी को लागू कर दिया। उन्होंने कहा था कि पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। पहले सूर्यास्त के बाद सभी लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, शराब पीकर लोग सड़कों पर बवाल करते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वे शराब पीकर सड़क पर तमाशा करें। यही वजह है कि 15 साल बेमिसाल है। अक्षय कुमार और धनुष स्टारर मूवी का ट्रेलर आ रहा है लोगों को काफी पसंद। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष स्टारर अतरंगी डे का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार क्रिसमस के मौके पर खत्म हो जाएगा। फिल्म 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी। बीते दिन बुधवार को अतरंगी डे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें सारा और धनुष के साथ मिलकर अक्षय ने वाकई गर्दा उड़ा दिया है। एआर रहमान के संगीत से सजे ट्रेलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि दर्शकों को भावनाओं के दरिया में डूबने उतारने को मजबूर कर देंगे। आपको बताना चले कि अतरंगी रे प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म है, जिसे तीनों कोनों पर सारा, धनुष और अक्षय हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय पहली बार आनंद एल राय जैसे निर्देशक के साथ जुड़े हैं। पंजाब किंग्स का साथ छोड़ देंगे लोकेश राहुल। आईपीएल के नए सीजन से पहले कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर केएल राहुल से जुड़ी सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लोकेश राहुल आईपीएल की नई टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल को लखनऊ की टीम की कप्तानी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वे पंजाब किंग्स के साथ अपनी साझेदारी को खत्म करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले कई सीजन से केएल राहुल पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं, यहां तक कि पिछले दो सीजन में वे टीम के कप्तान भी रहे हैं, लेकिन टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करवा पाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून से फायदा हो रहा है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।